नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल आपका बहुत बहुत हार्दिक तहे दिल से मैं आपका स्वागत करता हूं। और हमारा एवरेज का आज नेक्स्ट चैप्टर यानी कि नेक्स्ट सेशन दूसरा सेशन है। अगर किसी को कुछ एवरेज में अगर आज का सेशन कुछ प्रॉब्लम करता भी हो, पहली बात तो करेगा नहीं, तो पिछला सेशन एक बार जरूर देख ले एक बार। और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको लाइक कर दे या फिर इसको ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। आप लोग लाइक भी करें प्लस में शेयर ज्यादा लोगों तक करें इसे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी आपसे प्रार्थना है। और एवरेज का क्या मैं कर रहा हूँ, पूरी गणित का ही बहुत बढ़िया है कि अच्छे लेवल से आपका क्लास चल रहा है, तो इसका पूरा लुत्फ उठाइए और बाकी लोगों तक भी इस लुत्फ का पहुंचाइए कि इतना गजब आपका सेशन चल रहा है, ताकि ज्यादा लोग जुड़ सके हमसे। सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थोड़ा सा क्या है कि आज भागम भाग में आया हूँ, थोड़ी तो हो सकता है 1-2 मिनट डिले हो, बाकी ज्यादा डिले नहीं हुआ, सॉरी उसके लिए। बाकी मेरी कोशिश जितना राइट टाइम आऊं, और बाकी आप लोग थोड़ा सा जितना मैं कोशिश करूं आप भी कोशिश करें, प्लीज शेयर करो। भूपेंद्र मीना जी, हाँ जी, जय हो बीरबल सर के लाडले सर जी, ठीक है भैया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, ज्यादा लोगों को जोड़िए, और अभी हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, ठीक है। और मैंने आपको बोला कि ये एवरेज सेशन है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ इस एवरेज क्लास के अंदर अभी हमारा केवल बेसिक कंसेप्ट चल रहा है, मैं बेसिक बेसिक पर एवरेज सिखा दूंगा आपको, ठीक है। फिर क्वेश्चंस करवाएंगे, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। तो अभी मैं आपको इसने क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन को मतलब बेसिक को क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन में खुद यहाँ पर आपके सामने एट टाइम लिखूंगा, आप उसको छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से पूरी चीज समझाऊंगा, आप तुरंत आंसर देने तैयार है, अपनी किताब को भी साथ में रखे और तुरंत आंसर कमेंट बॉक्स में दे आप, ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग जी, उकम सिंह जी, उकम सिंह जी आप लोग अभी शायद स्टेशन पर ही हैं मुझे ऐसा लग रहा है, कोई नहीं। कर दिया जी, ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई, चलो खुशी होती है आप लोग जब जुड़ते हैं, आपका प्यार अगर ऐसे मिलता रहे तो हम मुकाम पर पहुंच जाएंगे पक्का, आप भी मुकाम पर पहुंचेंगे और हम भी मुकाम पर पहुंचेंगे। हम लोगों की इरादे दोनों के नेक हैं, मंजिल आप अपन दोनों की अलग अलग है, आपकी मंजिल नौकरी प्राप्त करना है, हमारी मंजिल आपको नौकरी प्राप्त करवाना है, ठीक है। तो दोनों मुकाम पर पहुंचेंगे तो आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे तो प्रॉपर तरीके से लगातार, धन्यवाद। चलो बच्चों, हाँ जी उकम सिंह जी, कोई बात नहीं, टेक केयर। देखिए दोस्तों, देखिए मित्रों, हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो एवरेज का चल रहा था। मैंने आपसे एक ही चीज कही, देखो मेरे साथ में शांति के साथ में और प्रेम से लगातार नेक्स्ट लास्ट तक जुड़े रहना, यदि आपको कुछ गेन करना है और सफलता प्राप्त करनी है, तो यदि बीच में जाओगे तो आपको कुछ गेन नहीं होगा, ठीक है। तो रीना भाई जी, सतसाहिब जी, हाँ बस मेरा आपसे आग्रह ये है कि लास्ट तक जुड़े रहना भैया, ठीक है। और जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी एक बार उसे देख लेना, ठीक है। अब देखिए, मैं कल वाला प्रॉपर पूरा तो नहीं कराऊंगा, लेकिन 5 मिनट में समराइज करवा देता हूं जो कल पढ़ाया था, कि भाई कल मैंने ये कुछ किया था, अब इससे आगे हमारा लिंक है। कल हमने इतना सा बताया था कि एक तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है उसको पूरा आइडेंटिफाई करके उसको प्रैक्टिकली समझाया था कि औसत बराबर क्या होता है मेरे बच्चों, औसत बराबर होता है मेरे दोस्तों राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। एक तो चीज ये चीज बताई थी, इसमें 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंटों के लिए 3 फॉर्मूले बन सकते हैं, आपको एक चीज समझ में आ गई तगली आप ऑटोमेटिक समझ में आएगी, ठीक है। दूसरी चीज हमने इसमें बताई थी कि जब भी कोई कुछ संख्याएं आपके पास दी हुई है
और उनका एवरेज भी आपको दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि पहली संख्या x1, दूसरी संख्या x2, तीसरी संख्या x3, चौथी संख्या x4, और मैं कहता हूं कि इनका औसत जो है, यदि इनका औसत मैंने बोला m है, कितना बोला भाई m है, हाँ जी, कि यदि इनका औसत m है और मैं कहता हूं कि प्रत्येक संख्या में बच्चों एक घटाया जाए, कितना घटाया जाए, एक, तो नया औसत क्या होगा, तो हमने आपको बताया था वो भी m माइनस वन होगा, कि पहले का जो औसत होगा उसमें से इतना ही कम होगा जितना प्रत्येक संख्या में से कम होगा। अगर जोड़ होगा प्रत्येक संख्या में प्लस वन या कुछ भी x, y, z, तो नया औसत भी आपका m प्लस वन होगा। अगर गुणा होगा प्रत्येक संख्या, मान लीजिए गुणा हुई दो से, प्रत्येक संख्या दो से गुणा हुई, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं जो कल मैंने समझाया था, तो आपका नया औसत भी 2m होगा, मतलब m से 2 मल्टीप्लाई होगा। अगर प्रत्येक संख्या डिवाइड हुई 2 से, डिवाइड हुई 2 से, डिवाइड हुई 2 से, तो मैं कह सकता हूं नया औसत भी m डिवाइड बाई 2 होगा। बस एक मैंने ये चीज बताई थी, दो बातें कल मैंने ये बताई थी। तीसरी बात जो मैंने पूरा प्रैक्टिकल के साथ समझाया था, पूरा एग्जाम्पल्स करवाए मैंने, आप देख सकते हैं, लेकिन मैं एक बार शॉर्टकट उस चीज को समझा रहा हूं। तीसरी बात हमने जो बताई थी वही मैं आपको समझा देता हूं, क्या बात बताई थी, अगर कोई श्रेणी समानांतर है तो उसका औसत निकालने के लिए आपको एक चीज इस्तेमाल करनी है, कोई भी श्रेणी अगर समांतर है तो, ठीक है, कोई भी श्रेणी समानांतर है तो, कैसी श्रेणी बच्चों, समानांतर या अर्थमेटिक प्रयोग, तो उसका औसत निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रथम पद और प्लस अंतिम पद बटा दो, ये मैंने आपको समझाया था। और दूसरा मैंने इसका लॉजिक बताया था, यदि आप इस तरीके से नहीं निकाल पाए तो मैंने बोला था कि अगर कोई भी आपको समांतर श्रेणी, समांतर का मतलब जिसका अंतर बराबर है, तो उसका औसत निकालने के लिए आप क्या करेंगे मित्रों, बीचो बीच का पद भी उसका आंसर हो जाएगा। कौन सा पद? बीचो बीच का पद। और इन सब चीजों के कंसेप्ट के साथ साथ मैंने कल आपको सारी बातें क्लियर करवाई थी मेरे दोस्तों। अब मैं आगे चलता हूं सेशन पर, इसी चीज को आगे रखते हुए, ठीक है। अभी हम एक तरह से मान के चले तीसरा पॉइंट हमारा चल रहा है समांतर श्रेणी वाला, कि जब समांतर श्रेणी का जो भी पैटर्न होगा उसका सोल्यूशन कैसे कैसे करेंगे। कल हमने कुछ क्वेश्चन करवाए, अब हम आज उससे कुछ थोड़ा आगे करेंगे। धन्यवाद। चलो दोस्तों, शाबाश, जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों, ठीक है। भैया ज्यादा लोगों को जोड़िए और ऐसे पार नहीं पड़ेगी भैया, इस तरीके से आप जितना मेहनत कर रहे हो उसका फायदा उठवाइए, ताकि हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़े। हम लोग आप लोगों को इतना मोटिवेट करते हैं पढ़ाने के नाम पर, हर तरीके से आपको पूरा मोटिवेट कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा हमें मोटिवेट करें, ज्यादा लोगों तक शेयर करें भैया, दबा के शेयर कर दो जितना हो सकता है, ठीक है। चलो, अब हम जो हमारा कंसेप्ट चल रहा है वो तीसरे नंबर का चल रहा है, समांतर श्रेणी वाला, कि जब भी कोई समांतर श्रेणी का पैटर्न आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, उसी के आगे की श्रृंखला में कुछ हम आगे बात करते हैं बच्चों। देखिए, पहला क्वेश्चन लेके आता हूं मेरे दोस्तों मैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है मित्रों। मैंने कहा प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत एवं योग ज्ञात करो, औसत एवं योग ज्ञात करो। चलो, मैं उम्मीद करता हूं कि कल जितना समझा उसके मुताबिक आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आ जाएगा अभी तुरंत। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों का जवाब हाजिर होगा विद इन 5 और 6 सेकंड। मैंने कल जितना आपको समझाया उसी के मुताबिक आपको ध्यान देना है दोस्तों, कि भैया मैं पूछ रहा हूं प्रथम 100, मैंने कहा ना बिल्कुल मेरे भाई, मैं 0 to 0 बना दूंगा, बस मेरे साथ जुड़े रहिए, कोई ये देख के मत जाना मुझे ये तो आता है। मैं ध्यान रखना, जो आता है ना वहीं से बताता हूं और वहीं से सिखाता हूं, ठीक है, जो आता है आपको, ठीक है, जो आता है उसी में से सिखाता हूं, ये बात विशेष ध्यान रखना, ठीक है। गॉड इवनिंग जी लक्ष्मण जी, गॉड इवनिंग जी, गॉड इवनिंग जी। अब देखिए भाई, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत एवं योग आपका आंसर नहीं आया, मैंने आपका इंतजार किया, कोई बात नहीं। देखिए बच्चों,
हमने आपको बोला कि प्राकर संख्या क्या होती है। पहली बात तो प्राकर संख्या होती है गिनती, एक से शुरू होती है और अनंत तक चलते हैं। लेकिन यहां ये खुद कह रहा है प्रथम सौ मतलब प्राकर संख्या सौ है, तो शुरू की संख्या एक होगी तो अंतिम संख्या इसकी सौ होगी। एक तरह से एक से लेकर सौ तक गिनती हुई। अब मैंने आपसे कहा कि इनमें अंतर समान है कि नहीं, गिनती में अंतर एक का रहेगा ना, तो मेरे दोस्तों कुछ नहीं करना, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था औसत निकालने के लिए आपको अगर अंतर बराबर है तो प्रथम पद बोले तो एक और अंतिम पद बोले तो सौ और बटा दो कर देंगे मित्रों, यह आंसर हो जाएगा 101 बटा दो बोले तो 50.5। मेरी शायद आप क्लासेस समझ रहे होंगे, आप इस चीज को एग्री कर रहे होंगे जो बात मैं आपको समझा पा रहा हूं। ठीक है, किसी तरह की कोई किसी को दिक्कत नहीं आई होगी, सब औसत कैसे निकला। मैंने कहा ना एक ही बात याद रखनी है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा दो औसत के लिए। अब बात आती है मेरे दोस्तों योग निकालने के लिए, जब समांतर श्रेणी की बात हो रही है, केवल किसकी बात हो रही है, समांतर श्रेणी की। अब जब औसत निकल चुका तो योग निकालने में क्या तकलीफ है भैया, योग बराबर होता है औसत इंटू पदों की संख्या, इंटू पदों की संख्या। तो औसत कितना दे रखा है मुझे 50.5 और नंबर ऑफ पद कितने हैं हमारे पास 100, हटा आंसर आ जाएगा भैया इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5050। समझ में आया कि बात नहीं आया, ये होगा इसका योग। बात यहां तक समझ में साथ सभी को आई होगी। तो कुल मिला के मेरा निष्कर्ष निकल के पहुंच पाया कि जब भी कोई श्रेणी समांतर होगी तो बार बार बोल रहा हूं औसत निकालने के लिए प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा दो करेंगे। बात क्लियर हुई, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ना कोई फॉर्मूला रटना है। ठीक है बच्चों, आगे चलता हूं थोड़ा सा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं तो बिल्कुल मैं धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए और माली सी चे सौ घड़ा ऋतु आवे फल होए। तो आप उस ऋतु का इंतजार करो बच्चों, फलेंगे और इतने फल लगेंगे तुम भी खा लेना, पड़ोसी को भी दे देना, तब भी खत्म नहीं होगा। इतना ज्ञान आ जाएगा तुमको भी कम नहीं पड़ेगा, पड़ोसी को बांट दोगे तब भी कम नहीं पड़ेगा मेरे दोस्तों। लेकिन लगातार जुड़े रहिए। शाबाश लक्ष्मण जी, आपने जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है। मैं पूछ रहा हूं लक्ष्मण जी दोबारा से, आप कोशिश करेंगे। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो, औसत एवं योग ज्ञात करो। दोनों चीज में साथ साथ लेके चल रहा हूं, हालांकि टॉपिक औसत का है पर दोनों चीज में साथ लेके चल रहा हूं। औसत एवं योग ज्ञात करो, इसका आंसर देंगे। अब तुम कहेंगे गुरुजी ये तो फॉर्मूला पूछ रहा है, बिल्कुल फॉर्मूला पूछ रहा है और आपने हमें फॉर्मूला बताया ही नहीं। बिल्कुल कोई बात नहीं, नहीं फॉर्मूला बताया ना, मैं वही चीज सिखाऊंगा। फॉर्मूला बताना नहीं है, फॉर्मूला बनाना है हमें और एक ही चीज से बनाना है, बस बस वही चीज मुझे। फॉर्मूला अगर हम रटाएंगे तो फिर हम में और आप लोग और अन्य लोगों में फर्क क्या रहेगा, फॉर्मूला रटाने की कोई बात ही नहीं करनी यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई, हाँ जी किसी का आया जवाब भाई, कोशिश करो मित्रों, कोशिश करो दोस्तों और दबा के शेयर करो भैया। अभी क्या भाई, थोड़ा सा रसगुल्ले रसगुल्ले खाए थे तो गड़े में थोड़ी खराश है, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब देखो आप बात को समझेंगे। अब हम अभी तक किसी का जवाब नहीं आया बच्चों, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो हम देखते हैं। भैया नहीं आ रहा तो हम करेंगे ना, कोई समस्या नहीं है। अब मेरी बात को समझे भाई, भैया आंकड़े को बढ़ाइए, आंकड़ा बढ़ना चाहिए मेरे लाल जियो, ध्यान रखना। अगर ये 30 दिन के अंदर तुमने अगर 50 प्लस नहीं किया, मैं लगातार मेहनत करूंगा, छुट्टी भी नहीं कर रहा हूं, मैं हर चीज को छोड़ रहा हूं, शादी छोड़ रहा हूं, सब तरह के फंक्शन छोड़ रहा हूं, ध्यान रखना पक्का ट्रेन से कटूंगा मेरे लल्लू, क्योंकि तुम मुझे बहुत दुखी कर रहे हो, मेरी आत्मा रोती है जब तुम मतलब इसको लाइव भरते नहीं हो संख्या, इतना अच्छा पढ़ाने के बावजूद।
ये ध्यान रखना, मैंने कुछ दिन सोचा नहीं मरूंगा, लेकिन अब कहां तक क्या करूं भैया, कब तक जीऊंगा मैं, कब तक जिंदा रहूंगा, अगर ऐसी तुम मैं मेहनत करता रहूंगा आप कुछ करेंगे नहीं तो कैसे बात बनेगी लल्लू, तो ऐसे पार नहीं पड़ेगी भाई, नहीं तो ध्यान रखना तुम्हारे नाम से सारी लेटर लिखूंगा, ठीक है। कम खाते गुरुजी, नहीं ज्यादा नहीं खाया, थोड़ा ही खाया है ना। चलो अब देखो भैया, प्रथम एन प्राकृत संख्या का औसत एवं योग। अब आप कहेंगे गुरुजी फॉर्मूला हमें नहीं पता, हम उत्तर कहां से दे, पेपर में आ जाएगा, हम घबरा जाएंगे, हमने फॉर्मूला रटाया नहीं अब, या फिर हम रटे तो भूल गए, कोई बात नहीं। अरे मेरे दोस्त, तो प्राकृत संख्या शुरू होती है एक से, सबको पता है, एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, और प्राकृत संख्या का अंतिम पद ही एन होता है, उसको एन से ही नोट किया जाता है, मतलब वो कह रहा है ना एन प्राकृत संख्या है, इसका मतलब अंतिम पद क्या है मेरा, एन है, बस बात खत्म। मैंने आपको एक ही चीज बोली, श्रेणी समांतर है तो औसत का फॉर्मूला क्या लगता है, आपको सब चीज नहीं रटनी, अपना आप फॉर्मूला बन के आएगा, वही आएगा जो किताबों में सूत्र दिया गया, वही आपको उत्तर पर सीधा टच करेगा कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा दो ये होता है औसत, और प्रथम पद होगा एक, अंतिम पद होगा एन बटा होगा दो, और यही मेरे दोस्तों सूत्र होता है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का, एन प्लस वन बटा दो, अब उसे एन प्लस वन बटा दो कहो, चाहे वन प्लस एन बटा दो कहो, बताओ सूत्र बन गया ऑटोमेटिक, कोई हमने नहीं रटा, केवल किस बात से समझ में आया कि गुरु जी हमें तो एक ही बात याद रखे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा दो, और दिमाग ये लगा देना शुरू एक से हुआ खत्म एन पर हुआ, आपका औसत निकल जाएगा। अब मैं बात करता हूं योग की, तो समांतर श्रेणी का जब योग निकालेंगे, मैंने कहा औसत को गुणा कर दो पदों की संख्या से, तो औसत कितना है एन प्लस वन बटा दो आया तुम्हारे सामने आया, इसको पदों की संख्या से गुणा करेंगे, पद कितने हैं एन, पद कितने हैं एन, ये बन गया योग का फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन बटा दो। अब जिसकी इच्छा होते फॉर्मूला भी लगा सकता है, लेकिन मैं आपको रटने की सलाह नहीं दे रहा हूं, सीधा बोल रहा हूं, आपको एक चीज याद रखनी है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा दो औसत, और योग करना हो तो पदों की संख्या से गुणा कर दो, बात क्लियर हुई, यहां तक समझ में आया मेरे दोस्तों। चलो भैया नहीं नहीं ट्रेन से नहीं कटूंगा, लेकिन आप लोग शेयर करो भैया, रीना जी बच्चियों को जोड़ा जाए ज्यादा से ज्यादा, है ना, बस यही है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, चलो भाई अब मैं आपके सामने बोल रहा हूं, प्रथम पचास सम संख्याओं का औसत एवं योग ज्ञात करो दोस्तों, औसत एवं योग ज्ञात करो भैया। अब की बार कौन लगाएगा जोर, हाँ भाई, हाँ जी, अब की बार जोर लगाओ भैया, प्रथम पचास सम संख्याओं का औसत एवं योग ज्ञात करो। मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, प्रथम सम संख्याओं की बात हो रही है, सम संख्या के लिए सम जो सम संख्या शुरू होती है दो, क्योंकि जिसमें दो का भाग जाता है वही सम संख्या होती है ना, दो के बाद होती है चार, चार के बाद होती है छह। अब सवाल यह है कि ये पचास सम संख्याओं की बात कर रहा है, तो अंतिम पद होगा सौ, क्योंकि हर दो के अंत पर एक सम संख्या होगी, तो अंतिम पद आपका क्या होगा सौ होगा, क्या होगा सौ, बात क्लियर हुई, क्योंकि हर दो के अंत पचास सम संख्या कब होगी, जब गिनती सौ पर पहुंचेगी, बस इतना हमें दिमाग थोड़ा सा लगाना है, बाकी हमें और दिमाग नहीं लगाना है, बाकी हमारा अपना काम क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हमें औसत चाहिए दोस्तों, तो औसत निकल जाएगा प्रथम पद दो प्लस अंतिम पद सौ, और बटा बोले तो दो, 102 का आधा हो गया मेरे दोस्तों 51, ठीक है। तो योग पूछेगा मेरे भाई, तो औसत को गुणा कर देंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है 50, हट्टा हो गया काम, जीरो पांच एकम पांच पचम 25, 2550 इसका आ गया आंसर। बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सभी को, बात मेरी समझ में आ गई होगी ना भैया। चलो नेक्स्ट चलते हैं मेरे दोस्तों, अगला पॉइंट लेके चलते हैं भाई, मैं एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, छोटी से छोटी बात को, और बहुत प्रेम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों।
अब मैं दे रहा हूं भैया एग्जांपल, प्रथम एन सम संख्याओं का औसत, प्रथम एन सम संख्याओं का औसत एवं योग ज्ञात करें, औसत एवं योग ज्ञात करें। अब आप कहेंगे गुरुजी दोबारा ये सो फॉर्मूला पूछ रहा है, अब किस किस का करें कैसे करें, कोई बात नहीं किस किस का करें कैसे करें वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं, आप चिंता ना करें सब कुछ संभव होगा। चलो भैया, प्रथम एन सम संख्याओं का औसत एवं योग क्या होगा? पहली बात तो सम संख्या प्रथम होगी दो, दो के बाद चार। अब मेरी बात को ध्यान रखना, सम संख्या का जो अंतिम पद होता है उसको टू एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब एन वा पद दो से मल्टीप्लाई होगा, जैसे पचास वा पद होता है दो से मल्टीप्लाई होकर सौ बना था ना, तो इसी प्रकार ये एन सम संख्या की बात करें तो अंतिम पद होगा टू एन। क्लियर हुआ? मैंने आपको एक चीज बताई बेटा, रटना कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है गुरुजी दो दो का अंतर है तो समांतर श्रेणी है, तो फिर क्या करें गुरुजी, आपने बोला था कि औसत निकालने के लिए एक ही बात याद रखने, जब समांतर श्रेणी तो प्रथम पद और प्लस अंतिम पद कितना है गुरुजी, यहां पर एन सम संख्या की बात करा तो टू एन है, क्या है बच्चों टू एन, ये सम संख्या का अंतिम पद टू एन ही माना जाता है अगर एन के अंदर बात करता है तो टू प्लस टू एन बटा दो। मैंने कहा ना फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं मेरे दोस्तों, फॉर्मूला कैसे बना कैसे आपने सुना। अब इन दोनों में से दो कॉमन ले लिया तो ये हो गया वन प्लस एन और डिवाइड बाई टू, तो टू से टू कट गया तो इसका आंसर हो गया मेरे दोस्तों एन प्लस वन या वन प्लस एन। तो यही होता है प्रथम एन सम संख्या का औसत का फॉर्मूला एन प्लस वन, जो कि मैंने किस तरीके से निकाला जो मैंने आपको बेसिक बताया वही से समझाया, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा दो। बात समझ में आई? रटना कुछ नहीं है, मैंने कहा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक ही बात याद रखनी प्रथम प्लस अंतिम बटा दो। दिमाग इतना से लगाना सम संख्या का अंतिम पद टू एन होता है क्योंकि टू का मल्टीपल होता है, टू का भाग जाता है इसलिए टू एन होता है। बात समझ में आई? चलो अगर औसत आ गया फिर योग में तो कोई तकलीफ ही नहीं है, जो औसत हमारे पास में आया उसको किससे गुणा कर दो, पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है एन हटा, ये होगा इसका योग, किसका प्रथम एन सम संख्या का औसत हो गया एन प्लस वन और योग हो गया एन इंटू एन प्लस वन। आगे चलूं? ठीक है। हाँ आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसकी, अगर आपको लग रहा है स्क्रीनशॉट लेकर रखना तो रख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है, आप इनकी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो या मैं आपको साइड में हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपको ऐसा लग रहा है बाद में देखना है तो, या फिर आप इनको बाद में दोबारा वीडियो प्ले करके देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं रीट की तैयारी कर रहा नहीं तो रेगुलर क्लास लूं। हाँ बिल्कुल लक्ष्मण जी, सर आप जीरो लेवल से पढ़ाते हो, आपका पढ़ाने का तरीका सराहनीय है, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का प्यार मिला तो और भी अच्छा पढ़ाएंगे। बाकी रीट के अंदर भी अगर आपका कौन सा लेवल है, कौन सा बोलते हैं फर्स्ट लेवल यदि है तो वहां भी शायद मैथमेटिक्स आता है थोड़ा बहुत, तो आपका मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत पूरा ही आएगा फर्स्ट लेवल, तो बीएसटी से वाला होगा तो अगर ना, तो मेरी बात को सुनिए आप, यहां तक बात क्लियर समझ में आई? अब मैं अगला पॉइंट ले रहा हूं मेरे दोस्तों, मैं एक एक चीज में बिल्कुल बेसिक से जीरो से शुरू कर रहा हूं सारी चीजों को और पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अब मैंने कहा कि बच्चों प्रथम 50 विषम संख्याओं का, किसका भैया विषम संख्याओं का औसत एवं योग ज्ञात करें, प्रथम 50 संख्याओं का औसत एवं योग ज्ञात करें। अब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत एवं योग ज्ञात करें। मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं, सम का विषम का सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, कोई फॉर्मूला रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ जी लक्ष्मण जी एसएसटी है, कोई बात नहीं, हम आपके लिए कुछ करेंगे यहाँ भी चैनल पर, आपका एसएस का भी कुछ कोशिश दिमाग में चल रहा है अभी, सर से बात की जाएगी, अगर कुछ हुआ तो आपका भी कुछ किया जाएगा, हो सकता है आपकी एसएस से रिलेटेड कुछ क्लासेस चालू की जाए, अगर कुछ हुआ पॉसिबल तो बिल्कुल करेंगे। बाकी आप लोग मैथ्स के लिए आप जो भी एग्जाम देते हो आपको कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है आपका चैनल में। देखिए प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत एवं योग,
अब मैं सवाल इतनी सी बात कर रहा हूं कि 50 विषम संख्या, देखो विषम संख्या होती जिसमें दो का भाग नहीं जाता, पहली विषम संख्या एक हो गई, दूसरी तीन हो गई, उसके बाद में क्या हो गया पांच, उसके बाद सात, ये तो डेफिनेट अंतर बराबर है दो दो का, तो मैं ये तो कह ही सकता हूं कि सब समांतर श्रेणी, विषम सम प्राकृत आ, तो विषम श्रेणी कैसी है समांतर है, जब सम विषम प्राकृत आ गया तो श्रेणी कैसी है समानांतर है, और जो समानांतर है तो आपको कोई अलग दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, आपको केवल वही चीज लगानी है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा दो। अब सवाल ये कि अगर दिमाग इतना सा लगाना सब 50 वा पद जो होगा वो क्या होगा, देखो गिनती को जब 1 से 100 तक बोलते हैं तो उसमें 50 तो सम संख्या ही आती है, 50 विषम आती है, क्योंकि हर दो के अंतर पर एक सम होती है एक विषम होती है, तो हम कह सकते हैं कि 50 वा पद जो होगा वो 100 तो होगा नहीं, कि 100 तो अपने आप में एक सम संख्या है, 100 से ऊपर नहीं जा सकता, आपका आंसर होगा 99 अंतिम पद, ये थोड़ा सा हमको विचार करना है सोचना है, ठीक है। अब इसके लिए भी कुछ होता है कि अंतिम पद अगर हमें निकालना हो विषम संख्या तक, मैं अगला वाला लेके आ रहा हूं चिंता ना करें, उसके लिए आप 2n-1 कर सकते हैं अंतिम पद का पता लगाने के लिए, मतलब कि अगर 50 वा पद चाहिए तो 50 n की जगह रख के 50 × 2 100, 100 में से एक गया तो 99, ये आपका अंतिम पद हो गया जो कि 50 वा पद है, क्लियर है, ये 2n-1 आपका, मतलब 2n-1 में क्यों किया ये भी नहीं रटना, क्योंकि सम संख्या 2 का मल्टीपल होता है इसलिए 2n होता है, विषम संख्या 2 का मल्टीपल नहीं होता इसलिए 2n में से एक कम हो जाता है, ठीक है, इसलिए 2n-1 किया, रटने वाली कोई चीज आपको नहीं समझनी है, ठीक है। अब मैंने कहा कि इनका यदि आपको औसत निकालना है दोस्तों, तो बस आपको जब बात समझ में आ गई सब श्रेणी समांतर है, हम क्यों टेंशन ले, प्रथम पद एक हो गया, अंतिम पद 99 हो गया, बटा 2 हो गया गुरु जी, तो ये हो गया 100 और 100 का आधा हो गया बच्चों 50, हटा काम खत्म, ठीक है, ये होगा आपका इसका औसत। अब मैं बात करता हूं अगर इसकी योग की या सम की बात करता हूं तो सम टोटल कैसे होगा, कि जब औसत आ चुका है दोस्तों तो औसत को किससे मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ पद, मतलब नंबर ऑफ स्टेप कितने 50, पदों की संख्या 50, तो 50 × 50 बोले तो कितना होगा 5,500, ये होगा आपका योग, कोई दिक्कत मेरे भाई, कतई कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भाई रीना भाई हमारे सर है ही ऐसे, एक बार जो इनकी क्लास में आ जाए उनका बेड़ा पार हो जाए, बिल्कुल भैया कोशिश तो हमारी यही होती है, बस आप लोग प्यार बनाए रखिए, मेरी कोशिश और भी अच्छी रहेगी, मैं और बेहतर करूंगा, ठीक है। देखो इंसान इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं होता है, चाहे शिक्षक हो चाहे विद्यार्थी हो, पूर्ण बनने की कोशिश की जाती है, और हम जब तक अगर हम शिक्षक है तो हमारा कोशिश रहेगी आजीवन हम सीखे और आपको कुछ नया नया दे, जितना अकॉर्डिंग टू एग्जाम जो भी पैटर्न चेंज हो उसके हिसाब से हम चलते रहे, बस आप लोग प्रेम बनाए रखिए, लोगों तक ज्यादा शेयर कीजिए, चलो भैया धन्यवाद। तो अब देखिए आप नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट सवाल। अब देखो दोस्तों, अब मैंने कहा कि प्रथम n विषम संख्याओं का, n विषम संख्याओं का औसत एवं योग ज्ञात करें, औसत एवं, देखो मैं योग तो जबरदस्ती साथ में लेके चल रहा हूं, क्यों लेके चल रहा हूं कि आगे कुछ जगह आपको योग पूछा जाएगा तो फिर मैं आपको चीज को रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आपको, कि हाँ सर आपने बता तो दिया ही था, तो इसलिए मैं दोनों को साथ, बाकी एग्जाम में ध्यान रखना कभी दोनों चीज नहीं पूछेगा, औसत भी और योग भी, एक चीज पूछेगा तो योग पूछेगा या औसत पूछेगा, लेकिन जब औसत निकालना सीख गए तो योग निकाल सकते हैं और योग निकालना सीख गए तो औसत निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है किसी भी तरीके का, दोनों चीज एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और मैंने कहा प्रथम एन विषम संख्या का औसत एवं योग यदि हमें निकालना है तो सवाल वही हुआ, विषम संख्या हमारी होती है पहली तो हो गई एक, एक के बाद हुआ बच्चों तीन, तीन के बाद पांच, इसमें यह ध्यान रखना अंतिम एन वा जो पद होता है वो मैंने आपको बताया था क्या होता है भाई 2n-1, क्या होता है 2n-1, क्योंकि वो 2 का मल्टीपल नहीं होता इसलिए माइनस वन किया जाता है, बात क्लियर है यहां तक, तो ये अंतिम पद कहलाता है, मतलब एन वा पद जो होगा ना वही 2n-1 होगा, एन वा पद क्या होगा 2n-1। अभी चिंता ना करो, मैं nवें पद की बात भी करूंगा समांतर श्रेणी में, उसको भी मैं समझाऊंगा कैसे उसका फॉर्मूला होता है, कैसे उसका निकलता है, पूरा लॉजिक के साथ समझाऊंगा, रटने वाली बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। हालांकि ध्यान रखना मैं थोड़ा सा एवरेज में जरूर एक दो फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ, बाकी आगे गणित में तो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कुछ नंबर सिस्टम का योगदान, वहाँ थोड़ा एक दो फॉर्मूला लगता है जो मैं कंसेप्ट से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी मेरा मल्टी मैथमेटिक्स में कहीं भी कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करवाऊंगा आपसे मैं, ठीक है ना, आपको कुछ रटना है, रटना तो ये भी नहीं है, बस थोड़ा सा एक बार ध्यान देना कि बात को कैसे समझाया जा रहा है। तो हमें पता लग गया कि हमने पूछा गुरु जी प्रथम एन विषम संख्या हो तो अंतिम पद तो गुरु जी होता है इसमें 2n-1 हो तो एन की बात होती है, तो बस जब इतना पता लगा तो ये भी क्लियर होगा श्रेणी कैसे समांतर है, बस दिमाग नहीं लगाना कि बस आपको बोला गुरु जी एक ही बात याद रखना श्रेणी समांतर, पता लग गया ना बस अंतर बराबर समांतर श्रेणी, क्या करें प्रथम पद एक
प्लस अंतिम पद होगा 2n माइनस 1 और बटा 2, अब आप समझेंगे 1 से 1 कट ही गया, 2n बटा 2 तो 2 से 2 कट गया, आंसर n आ गया, हटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। प्रथम n विषम संख्या का औसत क्या होता है, n ही होता है, अब रटना नहीं है, आपको समझ में आया कैसे आया। और इनका योग की बात करें दोस्तों, मैंने बोला यहाँ कि औसत को किससे मल्टीप्लाई करो, पदों की संख्या कितनी है n, तो n इंटू n आपका आंसर हो जाएगा n स्क्वायर। मैं पिछले आपको बिना फॉर्मूले को बताया था, आपको फॉर्मूला बना के मैंने आपको समझा दिया है, अब डायरेक्ट इनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। चलो भाई, अब देखिए भैया, अब ये चीज आपको समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत एवं योग ज्ञात करो। दोस्तों मैं सारी चीज ले रहा हूं और मैं इसको ये कह सकता हूं, पूर्ण संख्या का मतलब होता है, यहां पर बात कर रहा हूं मैं होल नंबर, ये चीज मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, होल नंबर, ठीक है। एक और होता है पूर्णांक संख्या, उसका मतलब होता है इंटीजर नंबर, मैं दोनों का डिफरेंस आपको समझा चुका हूं, एक बार दोबारा समझा देता हूं। इंटीजर नंबर का मतलब होता है कि जो जीरो के अलावा एक तरफ तो पॉजिटिव में होता है और एक तरफ नेगेटिव में होता है, ये टोटल हो गए पूरा इंटीजर नंबर बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये न्यूट्रल, ठीक है। तो ये इंटीजर नंबर है, इनको पूर्ण, इनको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं, मतलब पूर्णांक संख्या होती है धनात्मक और ऋणात्मक और न्यूट्रल। पूर्ण संख्या क्या होती है ये थोड़ा सा आपको समझना है, देखो तो हम पूर्ण संख्याओं की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, पूर्ण संख्याओं की बात कर रहे हैं, इन्हीं का हमसे औसत पूछा जा रहा है 20 पूर्ण संख्याओं का। तो पहली बात तो आप मुझे एक चीज बताएंगे, पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर, होल नंबर का मतलब मेरी चीज इसको समझिए यहाँ पे, कि किसी समय में राजा हमारे के नाम से रावण जी हुआ करते थे, तो रावण के जो हम कहते हैं भाई 10 शीश होते थे, है ना, सुना था ना हमने, जबकि हमने एक चीज और भी सुनी है कि आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, ऐसा सुना है हम लोगों ने। अब मुझे एक चीज समझ, मुझे भी नहीं आई, कई बार मैंने कोशिश भी की समझने की, कि जब आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, ये तो कल युग में जाकर आर्यभट्ट आए, तो और बात हम कौन से युग की कर रहे हैं भैया, त्रेता युग की, जब भगवान राम आए थे उस समय, और उस समय रावण के 10 शीश हुआ करते थे। तो मुझे बताओ 10 फिर कैसे करते होंगे, कैसे गणित में 10 लिखते होंगे, सवाल ये था, उस समय जीरो तो था ही नहीं, उस समय जीरो नहीं था ना, एक्चुअल में क्या था, उस समय संस्कृत भाषा का इस्तेमाल होता था, तो उसको दशानन बोला करते थे उनकी भाषा में, संस्कृत में। और हकीकत में तो क्या है कि उस समय गणितीय भाषा कुछ थोड़ी अलग होगी, हमें भी इतना ज्यादा अनुभव नहीं है, ना हमने उस चीज के बारे में सुना है ना पता, सिर्फ कथाओं से सुना है, कथाओं से जाना है, लेकिन ये बात फैक्ट है भाई, कलयुग के अंदर तो जीरो का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था, है ना। अब मेरी बात सुनिए आप, इसका मतलब है कि 1 से लेकर 9 तक जो अंक होते हैं, इनसे हमारी संख्या पूर्ण नहीं हो पाई। क्यों पूर्ण नहीं हो पाई, जैसे मान लो मुझे 10 लिखना पड़ा तो कहां कैसे लिखूं, तो मुझे 0 चाहिए होगा, तो इसलिए 0 का आविष्कार हुआ। इसका मतलब जैसे ही 0 मिला इसके अंदर तो बन गई पूर्ण संख्या, बात समझ में आई, क्या बन गई हो, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का मतलब जिसके अंदर 0 इंक्लूड हो जाता है, क्या इंक्लूड हो जाए, 0, ठीक है। तो यहां कुछ ऐसा ही हुआ कि प्रथम 20 पूर्ण संख्या का मतलब वो संख्या शुरू हुई कहां से, 0 से, 0 के बाद 1 आया, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, कुल मिला के प्राकृत संख्याओं में भी 0 को इंक्लूड कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही प्रथम 20 पूर्ण संख्या का औसत एवं योग, इसका आंसर के मैं इंतजार करूंगा, हालांकि मैंने देवराज जी के गुरु सर जी, धन्यवाद, बहुत बहुत वेरी नाइस, पवन कुमार जी, लक्ष्मण जी, सर जी आपका नाम क्या है, मेरा नाम भैया, पहली बात तो इसमें नीचे आ रहा होगा, दूसरी बात मेरा नाम भैया हंसराज जी है, इंजीनियर हंसराज सर के नाम से मुझे जाना जाता है अलवर के अंदर, ठीक है। और यहाँ मैं सर के साथ जुड़ा हूँ ऑनलाइन चैनल में, अपना बाई स्टडी चैनल पे यहाँ मैं क्लास लेता हूँ रेगुलरली। ऑफलाइन कोचिंग मेरा सत्साई इंस्टीट्यूट के नाम से नयाबास पर है, काफी दिनों से चल रहा है, करीब 8-10 साल मेरे को शायद 2015 से हूँ मैं इसी फील्ड में, यहाँ पर कोचिंग में चलाने के मामले में। बाकी तो मैंने काम तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में किया, जयपुर भी किया, अलवर भी किया, गुड़गांव भी किया, लेकिन मैं अगर बात करूँ केवल पर्टिकुलर मेरा इंस्टीट्यूट अलवर के अंदर 2015 से है, ठीक है। तो देखिए आप
अब मैं बात इतनी सी कर रहा था भैया, इसका औसत निकालना है। तो सवाल ये था 20 संख्या कब खत्म हो जाएंगे, भैया जीरो शुरू है ना, तो 20 संख्या 19 पे ही खत्म हो गई ना। कोई बच्चा 20 के लिए आगे 20 बोलेगा, नहीं, 20 संख्या आपकी खत्म खाओगे 19 पे ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पहला पद आपका जीरो हो गया। बस ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पूर्ण संख्याओं के अंदर कि अगर 20 की बात करा तो अंतिम पद 19 होगा, क्योंकि जीरो आ गया ना एक आगे। अब अगर हमसे औसत पूछा जाए तो फिर घबराने की कोई बात नहीं, इतनी बुद्धि लगानी थी फिर तो काम हो गया ना, कि भैया प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा दो। ऐसा क्यों? क्योंकि समांतर श्रेणी है, अंतर बराबर आ रहा है ना, एक एक का हर जीरो के बाद एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, तो आपका औसत हो जाएगा जीरो प्लस लास्ट का पद होगा 19 डिवाइड बाई 2, तो 19 का आधा कितना होता है 9.5। अब अगर योग पूछा जाए तो मैंने पहले ही कहा कि योग निकालने के लिए जो औसत होता है उसको किससे गुणा कर दो, पदों की संख्या से। पद को खुद ही करा, कितने पद है टोटल 20 ही पद है ना बच्चों, तो 20 से गुणा कर दो, यहां 19 मत करना, पदों की संख्या तो 20 है ना, हालांकि उसमें जीरो भी शामिल है, पदों की संख्या 20 होगी। अब 20 से जब गुणा करेंगे 9.5 को, 9.5 को मैं सीधा बोलूं तो 19 बटा 2 कहूंगा तो अच्छा रहेगा ना, 20 गुणा 19 बटा 2 है ना, योग निकालते 2 × 20 कितना हो गया 19 × 190, ये क्या हो गया हमारा योग। साथ मेरी बात समझ में आई होगी, नहीं आएगी भाई बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, चलो मित्रों आगे चलते हैं। रीट की ऑफलाइन है क्या भैया? रीट का हम नहीं चलाते हैं, मतलब चलाते तो थे लेकिन रीट में झंझटें बहुत है, सबसे बड़ी बात है हमारा स्पेशल एसएससी रेलवे पुलिस पटवार फौजी इनके ऊपर होता है, ठीक है, मेनली तो हमारा एसएससी का होता है, ठीक है, ऑफलाइन के अंदर। बाकी अलवर बहुत सारे हैं रीट के, आप कहीं भी कर सकते हो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए भाई, अब मैं बात क्या कर रहा हूं, मेरी बात को समझिए आप, है ना, कि अगला यहां तक आपको समझ में आया, समांतर श्रेणी की हम चर्चा कर रहे थे, अब मैं बात आगे की करता हूं थोड़ा सा। अब मैंने लिखा सौ से, अब थोड़ा सा देखो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों, एकदम से मैं आपको उस चीज पे नहीं लेके जाऊंगा, धीरे धीरे लेके जाऊंगा, ठीक है, इसको छोड़ो थोड़ा, इसको बाद में लेंगे, मैं एक चीज लेता हूं। तीन के प्रथम 20 गुण जो का औसत एवं योग ज्ञात करे, तीन के प्रथम 20 गुण जो का औसत एवं योग ज्ञात करे, तीन के प्रथम 20 गुण जो का औसत एवं योग ज्ञात करे, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना मित्रों, तीन के प्रथम 20 गुणजों का, गुरुजी आप कहेंगे साहब ये कहां से आ गया, ये तो नई समस्या लग रही है, कुछ कैसे हल करें। चलो आपके लिए मैं समय दे रहा हूं आधा मिनट का, इसको कोशिश कीजिए थोड़ा सा, है ना, कोशिश कीजिए भाई दोस्तों कि क्या इसका आंसर हो सकता है। भैया शेयर कीजिए दबा के, भैया संख्या कम हो रही है, है ना, संख्या को बढ़ाइए। चलो खैर कोई नहीं, अब नहीं आओ तो बाद में देख लेना, लेकिन देख जरूर लेना, आपके हित की बात है, बहुत बढ़िया क्लासेज है। हाँ भाई कोशिश करें, आप लोग कर रहे हैं कोशिश, मैंने बोला पेन कॉपी जरूर रखो भैया मेरी क्लास में, साथ में पेन कॉपी जरूर साथ में रखो अपने, तभी कुछ होगा थोड़ा सा, किसी बच्चे का आंसर आ जाए तो थोड़ी सा सुकून मिलता है कि हाँ भाई चलो हम जो मेहनत करवा रहे हैं हमारी मेहनत थोड़ी सफलता के कगार पर है, तो थोड़ा सा कोशिश करें मित्रों कि इसका आंसर दें आप। नहीं आया जवाब किसी का भी दोस्तों, मेरा सर मुझे ऐसे लगता है कमेंट साथ लेट शो करता है ऐसा ना। हाँ फूल सिंह जी राम राम जी, अब आयो राम राम करने के लिए, जब राम की सीता चूर गई जब जाके राम राम करने आयो, इतना समय हो गया जब से राम राम कहां चले गए भैया। अरे हट जा यार डस्टर की आदत है भाई, चलो हटेगा। अब देख भाई तीन के प्रथम 20 गुण जो का हाँ औसत एवं योग ज्ञात करो, सवाल जब गुणज की आती है दोस्तों
तो गुणज क्या होता है? गुणज का शुद्ध इंग्लिश में बोलेंगे मल्टीपल, और मल्टीपल का मतलब मैं सीधी भाषा में तुमसे बात करूं तो मैं ये बोलूंगा भैया तीन को गुणा एक करो, ठीक है कर दिया गुरु जी, तीन को गुणा दो करो, तीन को गुणा तीन करो, ऐसे कहां तक गुणा करना है? तीन को बीस तक करना है, क्योंकि बीस गुणजों की बात कर रहा है, बीस मल्टीपल की बात कर रहा है। इसका मतलब ये होगा तीन एकम तीन, ये कुछ थोड़ा सा लाइट लाइट सा कैसे होगा गुरु जी, है या फिर कुछ मुझे दिखाई दे रहा है ऐसा? हाँ नहीं, ये थोड़ा लाइट होगा जो नीचे वाला ऊपर थोड़ा गहरा था। चल नीचे वाले को पूरा इसको, हाँ ये गड़बड़ हो गई, ठीक है ठीक है। अब देखो ये हुआ तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तिया नौ, और लास्ट हो गया बीस तिया साठ। अब मुझे एक चीज बताओ, थोड़ा सा विचार करो, मल्टीपल का मतलब क्या निकल के आया? ये बन गया पहाड़ा, ये एक पहाड़ा बन गया। मल्टीपल का मतलब कि तीन एकम तीन, तीन दून छह, तीन तिया नौ, तीन चौक बारह। अब निष्कर्ष पे पहुंच गया जो पहाड़े होते हैं ना वो मल्टीपल ही होते हैं। तीन का पहाड़ा तीन का मल्टीपल होगा, पांच का पहाड़ा पांच का मल्टीपल होगा, बीस का पहाड़ा बीस का मल्टीपल होगा। इसका मतलब उसने बोला तीन के प्रथम बीस गुणा, मतलब तीन को बीस बार गुणा कर दो, तीन को बीस बार पहाड़ा बोल दे बीस तक। तो ये कह सकता हूं जब ऐसे गुणजों की बात आती है या पहाड़ों की बात आती है तो ये भी अपने आप में समांतर श्रेणी होती है। देख लो ना, अरे तीन के पहाड़े में तीन का एक अंतर रहेगा, तीन दूनी छह, तीन तीन नौ, तो अंतर बराबर हुआ ना। जब अंतर बराबर हुआ तो मुझे पता लग गया भैया अंतर बराबर है, और अंतर बराबर हुआ तो कैसी श्रेणी बन गई दोस्तों? श्रेणी बढ़ गई समांतर श्रेणी। कैसी बन गई? समांतर श्रेणी। और जब समांतर श्रेणी बन गई तो इसका औसत निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले आपको बोल चुका हूं। जब पता लग जाए ना समांतर श्रेणी तो उसको खींच के पकड़ो और आजा बेटा, पहला पद तीन और अंतिम पद होगा साठ, और साठ और तीन कितना हो गया बच्चों? तिरसठ, तिरसठ का आठ बटा दो कर दो आंसर आ जाएगा। तिरसठ का आधा कितना होता है दोस्तों? दो तिया छह, दो एकम दो, दो पंजो दस, इकतीस पॉइंट पांच, ये होगा इसका औसत। अब आप सोच रहे हो गुरुजी इसको इतना मतलब गुणा पूरा थोड़ी लिखेंगे? नहीं पूरा नहीं लिखना मित्रों, देख क्या करना मैं आपको समझाता हूं। पूरा गुणा नहीं लिखना हमें, हमें तो ये लिखना सब तीन को बीस बार किया, एक तो तीन गुणा एक कर दिया और सबका अंतिम पद हो जाएगा तीन गुणा बीस, यही तो करना पूरा। बीच के बीस से मतलब क्या है? तो पहला पद तो तीन हुआ, अंतिम पद सा बीस दिया साठ बटा दो, या आपका औसत आ गया साहब इकतीस पॉइंट पांच। बात समझ में आई? पूरा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब औसत आ गया तो मेरे दोस्तों योग निकालने में कोई तकलीफ ही नहीं होती है, ठीक है? योग निकालने में कोई तकलीफ नहीं होती है। तकलीफ कब होती है? जब दिल सीने में दो नहीं होते हैं। समझ रहे मेरी बात? बस तकलीफ थोड़ी होती भैया, योग निकालने में कोई तकलीफ नहीं होती है, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, तो भैया योग कैसे निकाले? कि जो हमारा औसत आए 31.5 उसको किससे मल्टीप्लाई कर दे? पदों की संख्या से। पदों खुद कह रहा कितने पद थे? 20 पद थे, तो बताटा आंसर आ गया। अब गुणा कर लो, ये जीरो दो पंजो दस, एक तो एकम दो, एक तीन दो तीन, अच्छा 630 आ गया बच्चों। कितना आंसर आ गया भैया? 630, ये योग हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई? मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आई होगी। बाकी आगे चलते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और मैं आपके जवाब की उम्मीद करूंगा। बताओ नौ के प्रथम तीस गुणजों का औसत एवं योग ज्ञात करो। नौ के प्रथम तीस गुणजों का औसत एवं योग ज्ञात करो, तो इसका आना चाहिए बच्चों आंसर दबा के। स्विच ऑफ गुरु जी तैयार, आपको दोनों थोड़ी देर देखते हैं कोई कुछ कह रहा है। सॉरी सर गलत हो गया, कोई बात नहीं। बीरबल सर के लाडले आई लव यू भैया, आई लव यू टू सो मच वेरी, बस आप तो लव को इतना कर दो पूरे हिंदुस्तान में फैला दो भाई स्टडी चैनल को बस, ठीक है? यही सबसे बड़ा प्यार होगा मेरा आपके लिए। अब देखो भैया कोई बात नहीं, लक्ष्मण जी गलती से ही इंसान सीखता है। अगर भगवान राम गलती ना करते सीता की भी चोरी नहीं होती, लेकिन उसको सबक समझ में आया बाद में, कोई बात नहीं। पर गलती करके जो दोबारा करे वो महान आदमी नहीं होता है, तो दोबारा गलती नहीं करेंगे हम, कोई बात नहीं। अब देखे भैया
9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत एवं योग ज्ञात करें। तो मेरी बात समझो भैया, 9 के प्रथम 30, मैंने बोला साहब जब गुणज की बात आ गई तो 9 के पारे की बात आ गई, और 9 का पारा मतलब पहला तो हो गया 9 एकम 9, और अंतिम पद होगा गुरुजी 9 गुणा 30 कर दो, हटा भाई शुरू की संख्या एक से, अंतिम पद को 9 गुणा 30 से, बस प्रथम पद पर अंतिम पद बटा दो हो गया औसत। क्या हो गया? औसत। अब कर लो 9 एकम 9, 3 9 की 27, 270 बटा दो, ये हो गया 279 डिवाइड बाई 2। बस थोड़ा कैलकुलेशन गलती ना करना, वो तो खैर हो जाए अलग बात है गलती से। अब देख लो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 2 नम्य 18, फिर 139.5, ये हो गया हमारा एवरेज। क्या हो गया? ये एवरेज। तो अब भैया औसत आ गया तो योग निकालने में कोई तकलीफ नहीं है ना मियां भाई? क्या तकलीफ है कि गुरु जी आपने बताया जब औसत आ गया तो पदों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, पद कितने हैं 30 पद बोल रहा है ना, तो 30 से गुणा कर दो, हटा आंसर आ जाएगा जो भी आना होगा। बात क्लियर है भैया? कोई समस्या नहीं है ना, किसी भी तरह की समस्या नहीं है। जयपुर में तो ग्रुप लिंक भेज दिया हूं। बहुत बढ़िया लक्ष्मण जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार आपका, बस ऐसे ही सेवा करते रहे, और कोई सेवा की जरूरत नहीं आपसे, हम वो वाले गुरु नहीं है आपका अंगूठा मांग लेंगे, हमें बस यही सेवा चाहिए आपकी, वो आप करते रहिए बस। मेरे पास जितने ग्रुप थे उन सभी में, बहुत बढ़िया लक्ष्मण जी, बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत आभार। अब देखिए भैया, नेक्स्ट बात करता हूं मैं, ठीक है? तो यहां तक बात क्लियर हुई शायद आपको, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है भैया? अब थोड़ी सी मैं आगे चर्चा करता हूं। अब इसमें दो चीज ध्यान रखना, यहां पर एवरेज के अंदर आपकी दो चीज कंप्लीट हो रही है, मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। एवरेज में आपकी दो चीज कंप्लीट हो रही है, एक तो श्रेणी कंप्लीट हो रही है, समांतर श्रेणी, और एक एवरेज कंप्लीट हो रहा है, दोनों चीज कंप्लीट हो रही है यहां पर आपकी, एक टॉपिक में दो टॉपिक कंप्लीट हो रही है आपकी, ध्यान रखना, ठीक है? सीरीज कंप्लीट हो रही है प्लस में आपका ये कंप्लीट हो रहा है, और ये चीज आपकी रीजनिंग में भी काम आएगी, मैंने रीजनिंग में भी काम आएगी आपकी सीरीज जो होती है सारी सारी, ठीक है? अब मेरी बात कहूं समझे थोड़ा सा आगे, मैंने लिखा 8, 15, 22 और मैंने कहा कि इसका 10वां पद ज्ञात करो। अब बच्चों ध्यान देना थोड़ा सा मैं मोड़ लेके आ रहा हूं चीज के अंदर कहानी में, है ना? 8, 15, 22 डॉट डॉट डॉट, इसका कौन सा पद चाहिए मुझे? 10वां पद चाहिए। ये श्रेणी बन गई, ये तो पक्का श्रेणी है कोई, तभी तो आंसर 200 पर पूछ रहा है। अब देखिए चीज को समझते हैं यहां पर, है ना? आपको थोड़ा मजा आएगा समझने में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात यहां इतनी कर रहा हूं कि भैया 8 के बाद 15 आ रहा है, पहले तो ये देखो सीरीज बन क्या रही है। जब गणित की बात है तो भैया अर्थमेटिक श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी या हरात्मक श्रेणी, तीन ही प्रकार श्रेणी होती है गणित मेनली तो, ठीक है? गुणोत्तर बोले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समांतर बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हरात्मक बोले तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अभी उनकी हम चर्चा करेंगे बाद में, क्योंकि उनका एवरेज से थोड़ा कम लेना देना है, वो चीजें अलग है, ठीक है? तो यहां देख रहे हैं कि गुरुजी 8 के बाद 15 हो रहा था, इसमें 7 जुड़ा, बिल्कुल सही है 7 जुड़ा। उसके बाद हमने देखा 15 के बाद 22 हुआ तो फिर कितना जुड़ा? 7। तो इससे एक बात तो मुझे समझ में आई, गुरुजी 7-7 जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है? 7-7। तो 22 अगला पद क्या होगा? 29। अब देखो अगर मैं इसे 7-7 जोड़ते हुए 10वें पद पे पहुंचूंगा तो पहुंच सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे नहीं पहुंच पाऊंगा, पहुंच जाऊंगा, दो एक मिनट लगेंगे, पहुंच जाऊंगा मैं 10वें पद पे, पहुंच जाऊंगा, दो एक मिनट लगेगी, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर करके पहुंच जाऊंगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि 2 मिनट लगेगी साहब, कोई बात नहीं, हमको तो मिनट लगे कोई कर देंगे ऐसे, कोई बात नहीं। लेकिन सवाल 10वां नहीं हो सकता है, 100वां पूछ लेता, तो अब आपको इस तरह से करने में असुविधा रहेगी। क्या रहेगी बच्चों? असुविधा रहेगी। तो इसको थोड़ा समझे आप कि कैसे क्या लॉजिक अप्लाई करें, और कोई फॉर्मूला है तो गुरुजी उसे कैसे रटें, रटने की जरूरत नहीं है, इसलिए बार बार कह रहा हूं रटने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देखो कैसे नहीं है, बात को समझें आपसे कहा कि साहब ये पहली सीढ़ी है ना हमारी, ये धरती से 8 फीट ऊपर है, पृथ्वी से कितनी फीट ऊपर है? 8 फीट, जो यहां पर ये 8 है, पृथ्वी से 8 फीट ऊपर आपकी पहली सीढ़ी है। आप जाना चाहते हैं 10वीं सीढ़ी पर, बात को समझे आप, कितनी सीढ़ी पर जानते थे?
ये पहली सीडी 8 फीट ऊपर है और आप जाना चाहते हैं 10वीं सीडी पर, और आपकी हर सीडी की हाइट कितनी है बच्चों? 7 फीट है। कितनी हाइट है? 7 फीट है। बात को समझ, आपको रटा नहीं रहा बिल्कुल। हर सीडी की हाइट कितनी है? 7 फीट है। और आप 10वीं सीडी पर जाना चाहते हैं, इट मींस इस सीडी के ऊपर 9 सीडी होंगे। इस सीडी के ऊपर कितनी सीडी होंगी? 9 सीडी। भैया ये तो पहली सीडी है ना, इसके ऊपर 7 फीट की ऊंचाई पे 9 सीडी होंगी, तभी तो 10वीं पहुंचेंगे। और एक सीडी की हाइट कितनी है? 7 फीट है। कितनी है भैया? 7 फीट है। तो 9वीं सीडी मतलब 9, 7, 63 फीट कहां पहुंच गई हो? 9, 7, 63 फीट पर आपकी ये पहुंच गई। इसका मतलब 63 फीट की हाइट पर जब वो पहुंच चुकी है और 8 फीट की हाइट पर आप ऑलरेडी थे, तो 8 में जब 63 फीट जोड़ दूंगा तो आप सही मायने में कहां पहुंच गए? 71 फीट पर पहुंच गए। कहां पहुंच गए आप? 71 फीट पर पहुंच गए। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? शायद समझ में आई होगी बात, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस यहीं से हमारा फॉर्मूले की शुरुआत हो जाती है। इसको रटना नहीं है मेरे मित्रों, बिल्कुल समझना है। देखिए कैसे, आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा कि समांतर श्रेणी का n वा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें ये नहीं रटना था, पर मैं आपको समझा रहा हूं, आप याद करना चाहे कर सकते, रटने की जरूरत नहीं। मैंने यही तो बोला, a बोले तो प्रथम पद मतलब पहली सीडी कौन से नंबर पर थी? 8 फीट पर थी। उसके बाद मैंने बोला कौन सी सीडी पर जाना है मुझे? 10वीं सीडी पर जाना है। तो 10 में से एक कम कर दो, क्योंकि एक सीडी ऑलरेडी हो चुकी है, 9 सीडी बची। कितनी सीडी बची? 9 सीडी बची। और एक सीडी की डिफॉल्ट डिस्टेंस, सीडी की हाइट या दूरी कितनी है? 7 फीट की है। इसको 7 से गुणा कर दो, वही चीज यहां आई थी, वही चीज यहां आ जाएगी, 8 प्लस 9, 7, 63। मेरी बात समझ में आई नहीं आई भाई? ठीक है, मैंने बोला कि ये चीज रटने की नहीं होती, हर चीज गणित के अंदर लॉजिक से बनी, हर फॉर्मूला गणित में लॉजिक से बना है। बात समझ में आई मेरी बात कि ये कैसे बना? प्रथम पद प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मैंने कहा आपको बिना फॉर्मूले के, अब जब भी कोई सवाल आएगा बिना फॉर्मूले के कर देंगे आप। कैसे? कि गुरु जी पहली सीडी 8 और 10 और 5 चाहिए, आगे 9 सीडी और पहुंच जाएगी, एक सीडी 7 फीट पर, 9, 7, 63, 63 प्लस 8 बोले तो 71 हटा। कोई जरूरत नहीं फॉर्मूले की मुझे। ठीक है बच्चों, पर आप चाहे तो लिख सकते हैं समांतर श्रेणी का n वा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने आपको समझा दिया है। यहां ये भी बता देता हूं अगर जो रटने वाले हैं उनके लिए, कि a बराबर होता है प्रथम पद, श्रेणी का कौन सा पद बच्चों? प्रथम पद। और n बराबर होता है पदों की संख्या। n बराबर क्या होता है मित्रों? पदों की संख्या। और d बराबर होता है पदों के बीच अंतर, पदों के बीच अंतर। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैंने ये चीज पहले क्यों बताई है? क्योंकि ये भी समांतर श्रेणी के अंदर आता है, ये भी मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया कि अंतर बराबर है। अब इसका मुझे इस्तेमाल भी करना होगा, इसके इस्तेमाल से भी सवाल कुछ आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा ना जीरो टू हीरो बनाऊंगा एकदम से, धीरे धीरे बनेंगे। अभी आपका शुरू हुआ है कहानी, अभी आप देखते जाइए बस। ठीक है, आनंद आएगा, क्योंकि इन सवालों को देखो मैं लिखने से कोई फायदा, छोटे छोटे सवाल नहीं, छोटे छोटे सवालों से आपका बेसिक बनेगा। ठीक है, सुपर सर, सुपर राहुल जी, सुपर धन्यवाद राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। घनश्याम दास जी 71, लक्ष्मण यादव जी 71, सतसाहिब जी, गुरु जी सतसाहिब जी, पवन कुमार वेरी नाइस, लक्ष्मण जी 78, 78। चलो भैया 78 बताया, कोई बात नहीं, आपने कोशिश की बाद में 71 आया लक्ष्मण जी का, कोई बात नहीं। चलो भैया बहुत, फूल सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो तो यहां तक बात कोई समझने आने में कोई दिक्कत किसी को नहीं है मेरे भाई? किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मित्रों। और मुझे लगता है आज का सेशन मैं थोड़ा यहीं खत्म करता हूं, आप लोगों ने मुझे समय दिया। जीके की क्लास अभी लगेगी? हाँ हाँ बच्चों, आप लाइव बने रहिए, अभी हमारे सर आ रहे हैं जीके के और आपकी जीके की क्लास लगेगी। बहुत जबरदस्त सेशन होगा, उसे भी आप देखिए।